सभी गणेश भक्तों को इस गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल के कोरोना के प्रकोप के बाद इस साल हम इस गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं। हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कोविड के दो वैक्सीन डोज देने के बाद अब जनस्थिति सामान्य रूप से चल रही है। हालांकि फिर भी और बूस्टर लेने के बाद भी कोविड का फैलाव हो रहा है, पर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हो रहा। तो ऐसे में इस गणेशोत्सव को पूरे महाराष्ट्रवासी, और मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र से बाहर भी, मैंने आज हमारे कुछ लोगों से बात की, बिहार में, आंध्र, तमिलनाडु, वहाँ पे भी गणेशोत्सव को अभी आजकल 10 दिन या 5 दिन के लिए मनाया जा रहा है। तो ऐसे में इस उत्सव की अपेक्षा घर के सभी लोगों को रहती है। महाराष्ट्र में तो मैं कहता हूँ कि दिवाली का जितना प्रभाव लोगों के मन में होता है, उतना ही प्रभाव गणेश उत्सव का भी होता है। तो इस गणेश उत्सव की मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गणेश उत्सव को हम सुखकर्ता दुख हर्ता, यानी सुख लाने वाला, दुख विघ्नों को हटाने वाला, इस रूप से पहचानते, इसी रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी के जीवन से दुखों का विनाश हो और आप सभी के जीवन में सुख का प्रवेश हो, इसके लिए मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सारे सहयोगियों की ओर से आपको गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।